सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। इन दिनों जबकि लॉकडाउन चल रहा है और आप सब घरों में रहकर आराधना स्तुति में शरीक होते हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी आए, हम प्रभु के नज़दीक रहें, प्रभु से प्रार्थना में लगे रहें और प्रभु के वचन की ओर अपना ध्यान लगाए रहें। आज हम सब की शिक्षा के लिए मैं भजन संहिता एक उसके तीन एक दो तीन पदों को पढ़ूंगा। वचन इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर के जीते वचनों में जब हम देखते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अनुग्रह की बातें लिखी हैं। परमेश्वर का वचन बहुत साफ साफ इन बातों को कहता है। उन मनुष्यों की तारीफ की गई है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते और न पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। हमारी जो संगति है इस संसार में, उस पर हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम किसके साथ उठते बैठते हैं, इनके साथ खड़े होते हैं, ठट्ठा करने वालों की मंडली में तो नहीं बैठते हैं। लेकिन दूसरे पद में देखें तो लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है। यहोवा की व्यवस्था, ये व्यवस्था की पुस्तक हमारे पास है जिसको हम पवित्र बाइबल कहते हैं। इसमें परमेश्वर की इच्छाओं को जो हमारे लिए है, हमारे फायदे के लिए है, लिखा गया है। और इसलिए कि हम परमेश्वर की इच्छा में बने रहते हैं, और आगे लिखा है, यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। धन्य वह व्यक्ति जो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और इसकी तुलना की गई है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और इसलिए वह पुरुष जो कुछ भी करे इसमें उसको सफलता मिलती है। परमेश्वर की आशीष हमें तब मिलती है जब हम परमेश्वर की इच्छा में बने रहते हैं। परमेश्वर की इच्छा में बने रहना हमारे लिए आवश्यक है। इस संसार में रहते हुए हम लोग अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं और हम नहीं जानते कि हमारी जो इच्छा है कितनी सही है, कितनी गलत है। लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे लिए भली है, भावती है, मनभावनी है। भजन संहिता का लेखक 40 अध्याय के 8 पद में कहता है राजा दाऊद, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। हमारी प्रसन्नता का राज अपनी इच्छा को पूरी करना नहीं है। राजा दाऊद कहता है परमेश्वर के वचन को लेके, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। ये राजा दाऊद की गवाही है, राजा दाऊद की गवाही है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7:21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। पिता की इच्छा पर चलना बहुत जरूरी है। पिता की इच्छा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और पिता की इच्छा पर चलने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। लिखा है हम जरूर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के अभिलाषी हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। परमेश्वर इसमें हमारी सहायता भी करता है और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएगा। पहला पत्रस 4:12 को देखें तो लिखा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। हमारे लिए निर्देश है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। रोमियो की पुस्तक 12:1-2 में इस प्रकार लिखा है,
आत्मिक सेवा के बलिदान के लिए तैयार रहे। लिखा है, और इस संसार के सदस्य न बने, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पौलुस लोगों से आग्रह करता है और कहता है, इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। हमें जो जीवन मिला हुआ है, हम जो संसार में आज जीवनों के बीच में हैं, लंबा जीवन हमारा नहीं है, बहुत थोड़ा समय हमको मिला हुआ है। इस थोड़े समय में तैयारी के लिए हमको सजग रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना है और उसी में बने रहना है, क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा में बने रहेगा वही स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा, स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। नीति वचन का लेखक राजा सुलेमान कहता है, तीसरे अध्याय के 5 और 6 पद में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम सांसारिक जीवन में जो भी करें, प्रभु का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हमारी जो समझ है ये बहुत गहरी नहीं है, कल क्या होगा हमको पता नहीं, लेकिन हम अपनी समझ पर भरोसा करते हैं, काम करते हैं और बहुत बार हमको असफलता हाथ लगती है, लेकिन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर के वचन को कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपना सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। जो भी काम हम करते हैं हमको परमेश्वर को स्मरण करके करना चाहिए, और स्मरण करने का आशा यह है कि किसी काम को करने के पहले परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना और उसी की इच्छा के अनुसार काम करना, तब हमारे लिए वो सीधा मालूम करना। हम नहीं जानते हमारे लिए कौन सा काम अच्छा है। पहला यहोन्ना 5 अध्याय के 14 पद इस प्रकार लिखा है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हम अपनी इच्छा से परमेश्वर को मांगते हैं और बहुत बार हमारी मांगे पूरी नहीं होती। प्रभु को वचन साफ कहता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगिए। परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है, भली वस्तुएं परमेश्वर हमें देना चाहता है, हमारी वो भलाई चाहता है, और इसलिए हम अपनी जितनी भलाई चाहते हैं उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है। और इस संसार में हमें समृद्ध भी बनाता है और इस संसार से परे हमारे लिए अनंत जीवन की तैयारी भी करता है, और इसलिए हमारा जो स्वामी है उसकी इच्छा को पहले मालूम करें और तब वो हमारी सुनेगा और हमारी मांग को पूरी करेगा। और इसलिए आज के समय में जबकि हम लोग बहुत सी बातों को लेके विभ्रमित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें, ऐसे समय में जबकि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, लोग परेशान हैं, क्या करें क्या ना करें, बहुतों को बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, हम मसीही लोगों को इस बात को ध्यान में रखने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हम वचन के जानकार हैं, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, और इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा को पहले मालूम करें और तब परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर हमारी मांगों को पूरा करेगा और इस संसार के जीवन को भी परमेश्वर सफल करेगा। हमारी इच्छा तो होती है इस संसार में भी हम बहुत कुछ प्राप्त करें। फिर से मैं रोमियो के 12वें अध्याय के 1 और 2 पद को पढ़ना चाहूँगा, जिसे पौलुस कहता है परमेश्वर के वचन को, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके रहो और इस संसार के सदस्य ना बनो, कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबकी सहायता करें
और आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जीवित वचनों के लिए। हम मनुष्य होकर अपनी इच्छा पर भरोसा करते हैं प्रभु, जबकि हमारी समझ बहुत थोड़ी होती है। कल क्या होने वाला है हम ये भी तो नहीं जान सकते हैं, लेकिन कल की बात, कल की प्लानिंग, कल की योजना हम बनाने में पीछे नहीं रहते हैं। प्रभु जी हमें क्षमा करें, हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि हम आपकी इच्छा को मालूम करें और आपकी इच्छा के अनुसार आपसे मांगे, ताकि आप हमारी मांगों को पूरा करें जो हमारी भलाई के लिए हो। प्रभु जी हम अपनी इच्छा से क्यों जिए, आपकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो आपकी इच्छा के अनुसार इस संसार में भी आनंद को प्राप्त करेंगे, खुशी को प्राप्त करेंगे और इस संसार से परे अनंत जीवन के लिए भी हमारी जो तैयारी है वो पूरी हो सकेगी। जीवित वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मान लेते हैं। आमीन।